अच्छा भाई, क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है, ओसामा एंड अब्दुल्ला वेर टू फ्रेंड्स, दे बोथ स्टार्टेड टू प्रोजेक्ट सेपरेटली विद द फॉलोइंग कैश इनफ्लोस। प्रोजेक्ट ओनर ओसामा और अब्दुल्ला, ईयर वन ईयर टू, ईयर वन ईयर टू के जो कैश इनफ्लोज होनी चाहिए उसकी वैल्यू दी हुई है। इफ डिस्काउंटेड इज 10% एंड ओसामा इन्वेस्टमेंट इज 80% ऑफ वॉट अब्दुल्ला हैज़ इन्वेस्टेड। जितना भी ओसामा ने इन्वेस्ट किया वो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट के 80% के बराबर है। लेट एक्स डिनोट दी इन्वेस्टमेंट बाई अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है या आज जो ईयर ज़ीरो पर उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में वो एक्स है। तो जो ओसामा की इन्वेस्टमेंट होगी वो इसी का 80% होगी, यानी कि 0.8x होगी। एंड फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट लेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें जो इक्वेशन बनानी है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनानी है। अब्दुल्ला के प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो किस तरह से आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ओसामा के प्रोजेक्ट की आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज सॉरी आउटफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट यानी कि 200,000 डिवाइडेड बाय 1 + 10% की पावर 2 + 150,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 1। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अब्दुल्लास प्रोजेक्ट। ठीक है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट वो होगा एक्स जिसने इन्वेस्ट किया। फिर माइनस और फिर आते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट, उसमें हम करेंगे 250,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 2 + 100,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 1। यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट और इसमें से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट जो कि होगा 0.8x। सही है, ये पूरी इक्वेशन बन गई। मैं यहाँ पर रीराइट कर देता हूँ इस इक्वेशन को नीटली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट यानी कि 200,000 अपॉन 1 + 10% की पावर 2 और 150,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि एक्स और इसमें से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट यानी कि 250,000 डिवाइडेड बाय 1 + 10% की पावर 2 + 100,000 डिवाइडेड बाय 1 + 10% और इसमें से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ओसामास प्रोजेक्ट यानी कि 0.88। अच्छा, इसके बाद सवाल बोलते हैं फर्दर प्रोवाइडेड दैट अब्दुल्लाज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओसामा बाई ₹1,000 कंप्यूट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाई बोथ ऑफ देम इन टोटल। यानी कि ये पूरा, ये देखो, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है अब्दुल्ला के प्रोजेक्ट की और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ओसामा के प्रोजेक्ट की। ये बोलता है अब्दुल्ला की नेट प्रेजेंट वैल्यू ओसामा से ज़्यादा है, यानी कि बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को आप माइनस करोगे तो आपके पास 1,000 बनेगा। ये इक्वेशन बनेगी। इसके बाद हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 14 का, वो कुछ इस तरह से है कि हमने यही इक्वेशन बनाई है और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया फिर। ठीक है,
आप जब बनाई भी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 15661 आएगी, 15661। अब इसने ये पूछा है दोनों की इन्वेस्टमेंट के टोटल अमाउंट को बताओ, तो 15661 जो है, 15661 वो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट है। उसामा की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इसका 80%, इसका 80% यानी कि 15661 का जो 80% बनता है वो बनता है 12528, और फिर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 28189 या अप्रोक्सीमेटली 28190। ठीक है,